माननीय श्री राहुल गांधी जी के 50वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई दी गई। श्री हरि भक्त कानवटिया अस्पताल शास्त्री नगर जयपुर में कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मनोज मुद्दल कांग्रेस कमेटी ब्लॉक बनी पार्क ने की। राजस्थान परिवहन श्री प्रताप सिंह खाचरी आवास, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, उप मुख्यमंत्री श्रीमान सचिन पायलट कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करके पुरस्कार दिया गया। SMS के डीन भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर स्टाफ नसीम भारतीय कुमाराम जी को भी सम्मानित किया गया। वे अन्य कई स्टाफ को सम्मानित किया गया। एक व्यक्ति वेंटिलेटर पे है, वो भी किडनी फेलियर का पेशेंट है, बाकी सभी व्यक्ति अच्छा कर रहे हैं जो ऑक्सीजन पे। तो मुझे लग रहा है कि हमारा इंटेंसिव ट्रीटमेंट, हमारी टेस्टिंग और आपके द्वारा इतना पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी में फैलाना, हम इससे प्रोबेबली। सर एक अंतिम सवाल मेरा है कि मोर्टेलिटी रेट जो है वो इन दिनों पिछले 15 दिन की बात करें तो बहुत ज्यादा बढ़ी है। 7% के लिए मैं निवेदन ये कर रहा था, ये नेचुरल मोर्टिलिटी रेट भी है। आप देखें SMS जब नॉर्मल चलता था तो हमारे यहाँ पे प्रति दिन 25 से 30 नेचुरल मोर्टिलिटी होती थी। इसीलिए जो एक नया सप्ताह गवर्नमेंट शुरू करने वाली है कि जल्दी से जल्दी आप हॉस्पिटल में रिपोर्ट करें। क्या होता है सर कि जो नेचुरल बीमारियाँ होती है जैसे हार्ट प्रॉब्लम, लंग, किडनी, कैंसर, अगर आप आने में डिले कर देंगे तो वो कॉम्प्लिकेट कर जाती है। हमारी सेवाओं पर जो आज घटनाक्रम हुआ उसको देखते हुए अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं और हम सब ने निर्णय लिया कि आज के दिन पूरे प्रदेश भर में जो हमारे महामारी से लड़ने के लिए हमारे सबसे बड़े योद्धा थे, डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, उन सब लोगों को सम्मानित भी करें, उनका हौसला अफजाई करें और ये संदेश लेकर जाएँ क्योंकि ये महामारी में अब लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया लेकिन इस बीमारी का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में ना फैले। हमारा जो इससे संघर्ष करने का जो मनोबल है, जो संकल्प है, कम ना पड़े, इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि लगभग 100 दिन बीत जाने के बाद ये मानव प्रवृत्ति में होता है कि हम बहुत चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं। और देश में जिस तरह से कोरोना की महामारी का दौर चल रहा है, इस दौर में हमारी पार्टी ने भी निश्चय किया कि राजस्थान के तमाम अस्पतालों में कांग्रेस पार्टी के द्वारा PPE किट, मास्क, सैनिटाइजर्स, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा ताकि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं जो पिछले 3 महीने से लगातार चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे पैरामेडिकल्स हो, चाहे सफाई कर्मी हो, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, जिस ढंग से राजस्थान के लोगों को बचाया गया है और हमने उनको कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया है और राजस्थान में सौभाग्य से हमारी स्थिति पॉजिटिव केसेस ज्यादा बढ़ने के बावजूद 77% से ज्यादा रिकवरी है। हमारी जो इंडिया में सबसे बढ़िया रिकवरी है, टेस्टिंग फैसिलिटी 40,000 से ज्यादा हमने डेवलप की है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है लेकिन ये चुनौती का दौर है। चाइना ने चुनौती खड़ी की है इंडिया के सामने, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में सेना के साथ देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। हम सब केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि पूरा देश के साथ खड़ा है लेकिन चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इस वक्त आज जब राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने पूरे प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान जो रखा है उसकी रखा है कि राजस्थान के रिजल्ट अच्छे हैं, राजस्थान में सेवा अच्छी है, श्रमिक बसें हमने चलाई, मजदूरों को लेकर गए, मजदूरों को लेकर आए और पहला राज्य बना जहां मजदूर के ऊपर एक भी लाठीचार्ज नहीं हुआ। कोरोना संकट के समय में जबरदस्त काम राजस्थान सरकार ने किया। इस दौरान हरिद्वार के लिए फ्री में बसें चलाई गई। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 1 करोड़ लोगों को डायरेक्ट सहायता मिली, लोगों को मदद मिली, 5.5 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिला।